बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुरु नुक्ता के साथ आपका मेज़बान आमिर हाशमी हाज़िर खिदमत है। आज हमारे मेहमान यंग लायर जैना मंसूर अहमद साहब हैं। आप इनसे पूछेंगे कि इनको क्या मसाइल दरपेश हैं। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खुराफियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान, अल्लाह का करम है। हाँ मंसूर साहब, आप बताइएगा, क्योंकि आप यंग हैं, अभी 2-3 साल आपकी प्रैक्टिस को हुई है, क्या मसाइल हैं आपको, जैना क्या कहना चाहेंगे? सर जब यंग लॉयर्स कोई भी फील्ड में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको बड़े इश्यूज होते हैं, ठीक है। उनमें से एक इशू ये है कि वो उसको अपने सीनियर की तलाश होती है, कि वो अपने सीनियर को तलाश करे, ठीक है। जब मैं भी आया इस फील्ड में, ठीक है, तो मैंने भी अपने उस्ताज़ इकराम से इलम सीखा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बड़े मसाइल थे जो मैंने देखे, जब मैंने मॉडर्न टाउन कचहरी से जो है वो स्टार्ट लिया, उसके बाद मैंने कैंट कचहरी जो है वो वहाँ पे गया, फिर जिला कचहरी, तो उसमें ये था कि सरगर्दां थे उस्ताद के लिए। अच्छा, तो सर उसमें ये था कि जब स्टार्ट अव्वल तो हमारे पास कोई केस आता नहीं था, लेकिन जब आता तो वो पहले बुक होता था, ठीक है, पहले सीनियर को आधा देना, ठीक है, उसके बाद वो भी बड़ी मुश्किल के साथ उनको जो है ना वो करवाते थे। उसके बाद ये होता था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट आ भी गया, जैसे कोई बेल आ गई या कोई आ गई, तो पहले बुक होती थी। वो बुक कौन करते थे? वो जो होता है पुलिस वाले, जो कि हमारे माशरे में जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो पहले वकील नहीं बनना चाहिए, नहीं वकील नहीं बनना चाहिए। हम अभी कई बार ऐसा हुआ कोर्ट में कि मेरे पास केस आया तो वो पहले जमानत करवा चुके थे। अच्छा, तो सर वो ये एक बहुत जो है ना वो ये हमारे लिए मसला है कि हमें जो है ना वो कचहरी के अंदर ये हालात को चेंज करना होगा, ठीक है। मेरा एक जो है ना वो थॉट्स के मुताबिक जो है ना वो ये है कि आप सवाल उठा दें, आप कैमरा पे बैठे हुए हैं, ताकि जो है ना ये सारे सवाल आपके जितने भी आपको आते हैं हमारे कैंडिडेट जो है ना उन तक पहुँचे, आपकी आवाज़ पहुँचेगी, आप बताएं क्या सवाल आते हैं आप। सर मेरा सबसे पहले इनके साथ हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि इन्हें इन्हें तमाम कोर्ट्स के अंदर ना बायोमेट्रिक निज़ाम करना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी वकील आए वो जो है ना अपना बायोमेट्रिक करे और उसका केस जो है ना वो उसकी जो है ना वो बेल हो या उसका केस जो है ना वो आगे जो है ना वो प्रोसीड हो, ठीक है। होता ये है कि हम अभी जो है ना वो केस हमारे पास आता है वो पहले पुलिस वाले उनके साथ डील करके, ठीक है, जो है ना वो बेल करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक, पहला आपका उसमें क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या कहेंगे जनाब? दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे यंगस्टर के लिए जो है ना कॉलेजेस के अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉलेजेस के अंदर ट्रेनिंग होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप, यानी आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस 1 साल की कम से कम या 6 महीने के लिए ना आपके पास वहीं पे कॉलेज में होनी चाहिए, होनी चाहिए। बकायदा तौर पर टीचर्स को चाहिए कि वो अदालतें जो है वो हमें जो है वो प्रोसीजर सारा प्रोसीजर बताए जो है ना। और तीसरी इशू जो मेन मसला है कि हमें पंजाब बार को ना हमारे यंगस्टर के लिए जिनकी 3 साल तक प्रैक्टिस हो उनके लिए जो है ना वो महाना वजायफ जो है ना महाना कोई ना कोई करना चाहिए, क्योंकि हमें एक बंदा पहले 5 साल के लिए अब ला करेगा, ठीक है, उसके बाद गैड करेगा, ठीक है, ठीक है, तकरीबन 6-7 साल बाद आता है उसके आगे जो है ना वो इनकम ऑफ सोर्स ही नहीं है उसका। सर ये सारे सुननी है आप बिल्कुल उसमें। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? सर तीसरा जो क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें जो है ना वो इनके लिए जो है ना वो खास जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर तमाम प्रोसीडिंग जो है ना वो प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ताकि हमारे जो है ना वो कम से कम जो है ना वो उसमें ड्राफ्टिंग हो, ठीक है, प्लीडिंग का तरीका हो, और सबसे जो मेन बात है ना हमें जो एथिक्स है जो नौजवान वकला को, ठीक है, वो चीज़ का जो है ना वो उसके लिए खास ट्रेनिंग होनी चाहिए। अव्वल तो इसका ना वैसे तो मैं भी होनी चाहिए जी जी सर, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये अखलाकियात जो है ना वो सिखाए जाए, ठीक है, और ये है कि कुछ जो है हमारे यंगस्टर हैं उनको जो है ना वो आते ही वो डिसार्ड हो जाते हैं, फिर वो कोई किसी शोबे में चला जाता है। देखिए जब नौजवान वकला का जो है वो रोजगार ही नहीं अच्छा होगा वो क्या करेगा? आप ये नहीं समझते कि सक्सेस नॉट नेसेसरी बट कांस्टेंट स्ट्रगल इज नेसेसरी? कांस्टेंट स्ट्रगल अगर जारी रखी जाए, अगर हम अगर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है। आपको मैंने बोला है कि उसमें पहले ही सारा कुछ बुक है, निजाम मैंने बड़े अरसे से जो है ना वो अरसे बाद जो है ना वो अब आके जो है ना मुझे थोड़ा सा समझ आई है, ठीक है, 3 साल यानी मुझे 3 साल हो गए हैं टोटल ना, तो मैंने 3 साल में अब मुझे पता चला कि वो केस कैसे दायर करते हैं। अब आप नहीं समझते कि यंग लॉयर्स को जो है ना नहीं घसीटना चाहिए सियासत में, आप नहीं समझते ये? सर जो
सियासत की बात है ना, वो भी एक सब्जेक्ट है, वो भी एक चीज है, वो एक पार्ट है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सियासत में आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो है ना, वो सबसे पहले हमने अपने प्रोफेशनल को देखना, प्रोफेशन को देखना, हमने स्टडी को देखना है, हमें चाहिए कि सबसे पहले स्टडी करें। अब मेरा ये तरीकेकार होता था कि मैं जो किसी भी, अगर मैं अगर सियासत में आया भी था तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ना 3 से 4 बजे तक ना मुझे तंग नहीं करना, यानी कि 3 से 4 बजे मैं टोटली टाइम जो है टोटली कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन आपके काम पे थी, काम पे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100+ केस कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अपना ऑफिस है, अपने सारे मामला थे, यकीन माने मैं, मेरे वाले साहब कहते थे जो ये है ना वकला जो है ये ऐसी फील्ड है, इट्स अ गोल्डन माइन, तो सर ये वाकई ही गोल्डन माइन है, मैं अपने जो है ना प्रोफेशनल के साथ बहुत सेटिस्फाई हूँ सर। अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाब करे, हमारी दुआएं भी साथ हैं, आपके सवालात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी आएंगे कैंडिडेट उनसे करेंगे हम जना जी, शुक्रिया। आप जंजीर टीवी के हवाले से अब क्या कहेंगे जो आपको मौका दिया जना? माशाल्लाह मैंने जंजीर टीवी को देखा, इनके जो है ना वो देखा, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला, और मैं इनको सलूट पेश करता हूँ, और ये बड़ा ही अप्रिशिएटेड है कि माशाल्लाह वोकला की आवाज़ आगे बुलंद की जा रही है, आगे आवाज़ बुलंद की जा रही है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए आमिर हाशमी को याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।